हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। हमने देखा एसिड और बेसिस अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, इन सब के साथ कैसा चेंज शो करते हैं, और हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड होगा एसिड और बेसिस के रिएक्शंस पर, कि एसिड और बेसिस रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सारे रिएक्शंस को कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है एसिड और बेसिस को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लास्ट में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, उसके बाद फिर हमने बेसिस की बात की थी, और फिर हमने इंडिकेटर्स क्या होते ये देखा, इंडिकेटर्स के साथ एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखा। उसके बाद फिर हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक है कि एसिड और बेसिस रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। बात करा जाए तो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिंक और एचसीएल को लेकर के। ठीक है, उसमें क्या है, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में एसिड होता है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब या बीकर, उसमें एसिड हम लेते हैं, एचसीएल लेते हैं, अपनी डाइल्यूट एचसीएल लेते हैं, और उसमें फिर हम क्या करते हैं, थोड़े से जिंक ग्रैनुल्स को, थोड़े से जिंक ग्रैनुल्स को ऐड करते हैं, और जिंक ग्रैनुल्स को ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को पूरी तरीके से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, लीड मतलब उसके ऊपर कॉर्क लगा देते हैं, ताकि जो गैसेस वगैरह जो प्रोड्यूस हो रिएक्शन के दौरान उससे बाहर ना निकले। तो इस रिएक्शन के दौरान हम इस बात को नोटिस कर दें कि जैसे ही हम जिंक को एसिड में ऐड करते हैं तो जिंक HCl यानी HCl में ऐड करते हैं, वैसे ही क्या होता है, बहुत सारा बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार बता दूं, अगर किसी भी तरह के रिएक्शन में बबल का फॉर्मेशन हो रहा हो या किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में बबल का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो बबल का फॉर्मेशन आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ किसी तरह की गैस प्रोड्यूस हुई है। गैस कौन सी होगी आप ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आप इतना जरूर बता सकते हो कि इस रिएक्शन में गैस का प्रोडक्शन हुआ, यानी जैसे ही जिंक को मैंने HCl में डाला, HCl में डालते ही बबल का फॉर्मेशन जो होने लगा, बुलबुले जो बनने लगे, इसका मतलब किसी तरह की गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस रिएक्शन को जब हमने पढ़ा तो उसके बाद हमें यह समझ में आया कि जब जिंक जो है, जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर रहे थे तो हुआ ये कि यहां एक रिएक्शन हुआ जहां जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और ZnCl2 बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया, और साथ में हाइड्रोजन गैस, वो जो बबल फॉर्म हो रही थी वो हाइड्रोजन गैस की एक्चुअली बबल थी, जो बबल का फॉर्मेशन हो रहा था वो हाइड्रोजन गैस का बबल था। ये हमने कैसे पता किया, ये हमने पता किया वो जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी उस हाइड्रोजन गैस को हमने पास कराया सोप सॉल्यूशन में। हम आगे देख सकते हैं, हम आगे इस चीज को देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये वही रिएक्शन है, यहां पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी, उसमें हमने थोड़ी सी जिंक ग्रैनुल्स को ऐड किया, जिंक ग्रैनुल्स को जो हमने ऐड किया तो उसके बाद बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उस बबल्स को हमने देखिए कॉर्क हमने लगा दिया था टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ताकि जो गैस बने वो गैस एस्केप आउट ना हो जाए, उसके लिए हमने पहले से एक कॉर्क लगा रखा है, और कॉर्क में एक होल है जिससे एक पाइप अटैच्ड है, और वो पाइप से जितनी भी गैस बन रही है वो सारी गैस किस सॉल्यूशन में जा रही है आप यहां देख सकते हैं, जो पाइप से जितनी भी गैस है वो सारी गैस कहां जा रही है, सोप सॉल्यूशन में जा रही है। वो हाइड्रोजन गैस हम कहां पास कराए, सोप सॉल्यूशन से। जब हमने हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराया तो होगा ये कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन से पास होगी तो वहां पर ढेर सारा बबल बनाएगी, सोप बबल्स, ढेर सारे सोप बबल्स का फॉर्मेशन करेगा वो हाइड्रोजन, और वो सोप बबल जब कैंडल के पास आएगा, चूंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, कैसी गैस है, फ्लेमेबल, तो ये बबल क्या होगा, पॉप साउंड करके बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि सोप बबल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो गर्म होगी, और जैसे ही वो गर्म होगी तो ये क्या होगी, ये बबल्स जो होगा वो पॉप साउंड करके बर्स्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो गैस हमने पास कराई थी वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो इस एक्टिविटी की मदद से हमने पता किया कि जो गैस का फॉर्मेशन हुआ वो किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहेंगे तो हम इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया तो हुआ ये कि ZnCl2 का फॉर्मेशन हुआ, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। तो यहां पर हमने देखा, हमने जब एक मेटल को किससे रिएक्ट कराया, हमने जब एक मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया, एसिड से, तो क्या बन गया, तो हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ZnCl2 क्या है,
एक सॉल्ट, एक तरह की सॉल्ट। देखो तो सॉल्ट से बच्चा लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सॉल्ट का मतलब वो खाने वाला नमक होता है। हाँ जो खाते हैं वो भी सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि उसका भी नेचर सॉल्ट जैसा है, लेकिन यहां पर सिर्फ उस खाने वाले नमक को हम सॉल्ट नहीं कहते, सॉल्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो एक सॉल्ट का हुआ है, वो सॉल्ट क्या है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बना है, साथ में एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां से हम एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं, यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं जनरली कि जब भी कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अच्छा अगर हम और भी एग्जांपल देखें, जैसे हम एसिड ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम ऐड करते हैं अपना सोडियम मेटल, क्या ऐड करते हैं, सोडियम मेटल। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो Na2SO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा और क्या हो सकता है, मान लेते हैं हम अपना कोई और एसिड ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और किसका रिएक्शन करा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और किसका रिएक्शन करा दें, हम रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, जिंक का तो हमने करा ही दिया, कोई और मेटल लेते हैं, मान लेते हैं एल्यूमिनियम ले लिया। अगर हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो क्या होगा, तो यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखिए आपको समझना होगा कि ये सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये सॉल्ट बनना बड़ा ही आसान है, सॉल्ट बनाना सीखना बड़ा ही आसान है। आप यहां नोटिस करिएगा ध्यान से, यहां सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन, क्या कॉमन दिख रहा है, हाइड्रोजन कॉमन दिख रहा है, और साथ में कोई दूसरा आयन लगा हुआ है, यहां सल्फेट आयन है और यहां क्लोराइड आयन है। तो यहां देखिए जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो जो मेटल होता है ना, मेटल वो क्या करता है, वो एसिड में हाइड्रोजन के पीछे जो आयन लगा होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां एसिड में हाइड्रोजन के पीछे सल्फेट लगा था, SO4 लगा था, और यहां मेटल क्या था, सोडियम था। तो सोडियम ने क्या किया, जैसे ही सोडियम को एसिड में ऐड किया गया, सोडियम ने एसिड में हाइड्रोजन के पीछे वाले सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट बना लिया, क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन था एसिड का वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। नेक्स्ट नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहां हमारा मेटल एल्यूमिनियम था, यहां एसिड के पीछे आयन क्लोरीन था, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन जो था एसिड का वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्ट बहुत आसानी से बना सकते हो कि आप, अगर आपको एसिड दे दिया जाए, आपको मेटल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कैसा सॉल्ट बनेगा, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि मेटल कौन सा है और एसिड के पीछे जो आयन लगा है वो क्या है, वही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, बाकी जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो गैस के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, एक सॉल्ट आप मुझे बना के बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना। यहां हमने नाइट्रिक एसिड ले ली और हमने ले लिया मैग्नीज Mn या मैग्नीशियम ले लेते हैं, अब बताओ कैसा सॉल्ट बनेगा, बना के बताओ, बताओ कैसा सॉल्ट बनेगा यहां पर। चलो देखो कैसा सॉल्ट बनेगा, यहां एसिड के पीछे आयन क्या लगा है, नाइट्रेट लगा है ना, और यहां मेटल क्या है, मैग्नीशियम। तो यहां मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, खुद ही दिमाग लगाओ, नाइट्रेट से करेगा, किससे करेगा, नाइट्रेट से, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। अच्छा मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 2 होती है ना मैग्नीशियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेटल और एसिड का रिएक्शन करा के ये बता सकते हो कि सॉल्ट कैसा बनेगा। और अच्छा ये पहले पता कर लो कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो अब एक बात और यहां नोटिस करने वाली, कभी कभी आपसे पूछ लेता है एसिड प्लस मेटल का जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन। आपको मैं बता दूं एसिड और मेटल का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अभी समझते हैं।
एसिड और मेटल का रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस बात को समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का काम नहीं कर रहा है। मेटल क्या कर रहा है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है हाइड्रोजन को, और खुद उसके आयन के साथ कंपाउंड बना ले रहा है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक बार फिर से दोबारा से रिकॉल करिए तो आपको याद आएगा वहां पर क्या होता था। वहां पर एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता था और खुद ही कंपाउंड बना लेता था। देखिए यहां पर जो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हम एज अ मेटल ट्रीट करते हैं। एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो हम एज अ मेटल ट्रीट करते हैं। क्यों मेटल ट्रीट करते हैं, एज अ एसिड का हाइड्रोजन को एज अ मेटल क्यों ट्रीट करते हैं, क्यों किया जाता है एसिड का? जैसे H2SO4 है, तो यहां पर एक्चुअली यहां पर अगर मैं इसको आयन के फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। यहां हाइड्रोजन ने, दो हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा है, सल्फेट को दे रखा है, तब जाके ये H2SO4 बन रहा है। तो यहां पर अगर आप HCl में बात करिए तो HCl को अगर मैं आयन के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा H+Cl-। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा है, क्लोरीन को। अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूंगा, HNO3 की बात करूंगा, तो यहां पर क्या हो रखा है, यहां हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा है, नाइट्रेट को। यहां पर हर केस में आप देखिएगा यहां H+ बन रहा है, H+। और इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। तो यहां हाइड्रोजन कैसा ट्रीट हो रहा है, मेटल की तरह ट्रीट हो रहा है ना, किस तरह ट्रीट हो रहा है, मेटल की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर हम आगे देखें, अगर हम H2SO4 या किसी भी एसिड को ले लें और किसी मेटल से, मान लेते हैं H2SO4 का मैंने जिंक से रिएक्ट कराया, तो जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन से, अगर हाइड्रोजन एज अ मेटल, अगर मैं हाइड्रोजन एज अ मेटल लूं तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा, खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। तो याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन, देखिए पेपर में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे बात करते हैं पेपर देने के बाद क्वेश्चन बाहर से बना था, क्वेश्चन यहां से बना था, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो हमारा रिएक्शन हो गया एसिड और मेटल का। अब बात करते हैं एसिड मतलब मेटल का रिएक्शन बेस के साथ। तो देखिए जैसे यहां पर आपने बहुत इजिली देख लिया कि लगभग सभी एसिड जो है, सभी एसिड जो है वो मेटल से जो है, सभी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, एक एक्सेप्शन भी है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन कॉपर से कराना चाहेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, खुद सोचो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दिया मैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर एज अ मेटल ट्रीट किया जाता है तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिस वजह से क्या होता है, यहां पर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता और कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। जब आप कॉपर में, कॉपर को एचसीएल में ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, हाइड्रोजन एज अ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं हो पाता, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। वहीं अगर बात की जाए रिएक्शन की, तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर उसका रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होगा? अब आपके दिमाग में फिर यही बात आएगी कि नहीं सर, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यहां पर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, लेकिन यहां उस तरीके का रिएक्शन नहीं होगा जनरली जैसा एसिड और मेटल का होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। दोनों का रीजन मैंने आपको बताया, रीजन ये है कि कॉपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। वेयर एज कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कॉपर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज
कर देता है जिससे रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन एसिड और मेटल से बिल्कुल अलग होता है। जो एसिड और मेटल का हमने रिएक्शन पढ़ा था ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस प्लस मेटल। देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जैसे लगभग सारे ही एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या सारे मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे बेस के साथ नहीं होता, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, मैक्सिमम मेटल्स बेस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। और यहां पर अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये बात याद रखिएगा, अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपकी बुक में एक रिएक्शन है, वो है सोडियम का रिएक्शन, सोडियम एज अ मेटल का रिएक्शन किसके साथ, बेस का, सॉरी जिंक का रिएक्शन, नॉट सोडियम का, आपका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद जिंक के साथ, ये एकलौता रिएक्शन आपकी बुक में दिया है किसका, बेस और मेटल का। इस केस में क्या बनता है, इस केस में एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम सोडियम जिंकेट है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, ये जो सॉल्ट मैंने लिखा ये सोडियम जिंकेट है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अरे बात सुनिए, तो यहां पर एक लौता रिएक्शन बेस और मेटल का दिया हुआ है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का, जिस केस में एक सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम सोडियम जिंकेट है पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही। मैंने जो कहा फिर से बोलता हूं, अगर मेटल पहली बात तो बेस से रिएक्ट करते नहीं जनरल केस में, लेकिन अगर कोई मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कस करा क्या, हमने डिस्कस किया एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अच्छा पहले, सबसे पहले अभी हमने देखा कि एसिड और मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं, बेस और मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस बन रही। कभी कभी हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती हाइड्रोजन गैस की। तीसरा टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं होता हाइड्रोजन गैस का। चौथा हाईली कंबस्टिबल गैस, बहुत कंबस्टिबल है, बहुत अच्छा कंबस्टिबल मटेरियल है हाइड्रोजन गैस। रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इतना अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। कंबस्टिबल का सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें, किसके कब, ऑक्सीजन के रिएक्शन के दौरान, या जब हम उन्हें जलाएं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें। जितना अच्छे तरीके से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा कंबस्टिबल होंगे। तो हाइड्रोजन को जलाने पर वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये हाईली कंबस्टिबल होता है, ठीक है, और ये बर्निंग वगैरह में मदद करता है। अगर कहीं फायर वगैरह की नीड है या आपको काफी अमाउंट में क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो उस केस में आप इसका यूज, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे कंबस्टिबल गैस या इसको इनफ्लेमेबल गैस भी बोलते हैं, इसको इनफ्लेमेबल गैस भी बोलते हैं, इनफ्लेमेबल गैस। पेपर में क्वेश्चन आता है गैस विच इज हाईली इनफ्लेमेबल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो जब अगर इनफ्लेमेबल गैस आ जाए, कंबस्टिबल गैस आ जाए, ठीक है, ये सारे टर्म्स के साथ अगर किसी गैस को रिप्रेजेंट किया जाए तो समझ जाना कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसका, एसिड का, बेस का नहीं है रिएक्शन, एसिड का ही है सर। देखिए सबसे पहले कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट इज एन आयन जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और इस पर जो चार्ज होता है -2 का होता है। वहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो ये होता है HCO3 और इस पर जो चार्ज होता है -1 का होता है। जब मेटल इन आयंस के साथ, ये दोनों आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस है ना, कई सारे एटम से बने हुए आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, जब कोई मेटल इन दोनों आयंस से कंपाउंड बनाते हैं, जब कोई भी मेटल इन दोनों आयन से क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मैं सोडियम कार्बोनेट को लिखता हूं Na2, मैं बना के दिखा देता हूं कंपाउंड, सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्रॉस कराया, 9th में सिखाया जाता है ऐसे, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। वहीं अगर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाना है तो ये सोडियम लिखा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा, सोडियम की भी 1 है, इसकी भी 1 है वैलेंसी,
तो यहां पर कंपाउंड क्या बन गया, NaHCO3। ऐसे और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब ये जो मेटल कार्बोनेट ये जो है, ऐसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे मेटल्स जो है कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर मैं सोडियम कार्बोनेट लूंगा, सोडियम कार्बोनेट लू और इसका रिएक्शन मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दूं, तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद मुझे एक सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, साथ में एक गैस मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेता ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेता, तो इस दौरान भी क्या होता, सेम प्रोडक्ट बनता, कुछ चेंज नहीं आता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन भी अगर HCl से कराता तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती और वाटर बनता, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन से आप समझ चुके हैं कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो तीन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, तीन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, नेमली सॉल्ट बनेगा एक और वाटर बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ही बनेगी। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं इस रिएक्शन का तो वो ये है, अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन मैं एसिड के साथ कराऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मुझे CO2 गैस मिलनी ही मिलनी है, मुझे वाटर मिलना ही मिलना, ये रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। अच्छा यहां सॉल्ट कैसे बनेगा कैसे पता करें, कुछ नहीं करना, मेटल कार्बोनेट में मेटल को आइडेंटिफाई करिए, एसिड में हाइड्रोजन के पीछे वाले आयन को आइडेंटिफाई करिए, बस। सॉल्ट बनाने के लिए मेटल आइडेंटिफाई करिए और एसिड के पीछे जो आयन लगा है उसको आइडेंटिफाई करिए और सॉल्ट बना दीजिए, और सॉल्ट क्या करिए बना दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल को आइडेंटिफाई करिए, एसिड के पीछे लगा आयन को आइडेंटिफाई करिए और क्या करिए सॉल्ट बना दीजिए, ठीक है। आसान है सॉल्ट बनाना, बाकी ये दोनों तो ये लिखना ही लिखना है, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं, CO2 बनना ही बनना है, वाटर बनेगा ही बनेगा। और रिएक्शन देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट का अभी नहीं करते, ठीक। अच्छा यहां पर NCERT में जब आप रीडिंग करेंगे तो एक रिएक्शन लिखा है, वहां पर क्या होता है, ये जो CO2 गैस बन रही है ना, ये जो CO2 गैस बन रही है, ये CO2 गैस को अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराऊंगा, आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 में भी ये रिएक्शन है, ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं CO2 को पास कराऊंगा तो क्या होगा, तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए क्या होता है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में वाटर बना। अगर मैं कहूं मैं एक्सेस ऑफ CO2, मैं एक्सेस ऑफ CO2 को पास कराऊं किससे, पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैं CO2 को पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 को पास कराऊंगा तो एक्सेस का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैंने थोड़ा CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट पास करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन ये CO2 इतना ज्यादा मैं पास करा दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद भी वहां CO2 प्रेजेंट है, CO2 खत्म ना हो रिएक्शन होने के बाद, ये जो CO2 है ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद भी खत्म ना हो, ये CO2 और भी प्रेजेंट रहे कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद, तो क्या होगा, तो उस केस में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है
ये पूरा का पूरा वापस से CO2, क्योंकि CO2 वहां पर अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा CO2 पास करा दी, तो वहां पर अभी बहुत ज्यादा CO2 प्रेजेंट है। तो उस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है और वाटर जो फॉर्म हुआ है वहां, वो एक्सेस ऑफ CO2 में एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, आता है आपका क्वेश्चन क्या आएगा, आपका इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए क्या होगा अगर, पहला पार्ट, हम CO2 को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएं, दूसरा पार्ट CO2 को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएं। तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पास कराएंगे, जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास कराएंगे, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बना के रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने उस CO2 को पास कराना बंद नहीं किया, CO2 पास कराते चले जा रहे हो, तो उस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएंगे फिर से CO2 से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें सॉल्ट मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है और वाटर मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ तो आपसे एग्जाम में जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पर बेस्ड, तो वहां पर CO2 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, या जो क्वेश्चन होगा वो CO2 गैस का डायरेक्टली जिक्र नहीं करेगा, वो बताएगा कि एक मेटल का एक कंपाउंड था। मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मेटल का एक कंपाउंड था जिसने एसिड के साथ रिएक्ट किया और एक ऐसी गैस प्रोड्यूस की जो कि क्या है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। तो बताइए, तो आप रिएक्शन का नाम लिखिए और इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो CO2 की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हाइड्रोजन की तरह ये भी कलरलेस और ऑडरलेस होती, कोई कलर नहीं होता, कोई ऑडियो नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, नॉन फ्लेमेबल होती। अब जहां हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, बहुत जल्दी जल जाती है, वहां यही नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब इसमें आग नहीं लगती, ये बर्न नहीं होती, थोड़ी टॉक्सिक है, आप सभी को बताया CO2 गैस थोड़ी सी टॉक्सिक है। डेंसर देन एयर, ये हवा से भारी होती है, ऑक्सीजन वगैरह से भारी होती है। ठीक है, और क्या होती है, और ये सोल्यूबल इन वाटर, देखिए ये वाटर में आसानी से घुल जाती है, जो CO2 गैस होती है वाटर में आसानी से घुल जाती है। ठीक है, अगर वाटर में मिक्स किया गया इसको, अगर पानी में हमने CO2 गैस को मिलाया, तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। किस क्या फॉर्म करता है? कार्बोनिक एसिड। यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये जो एसिड है ये कार्बोनिक एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि एसिड है इसलिए क्योंकि ये इसके पास H प्लस आयन है, इसके पास क्या है, H प्लस आयन है, ये हमारी कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, जब हम वाटर में ऐड करते हैं CO2 को तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, अगला क्या लिखा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। ये चैप्टर वन में हमने पढ़ा है कि जैसे ही आप CO2 को लाइम वाटर में मिलाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर यानी वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर जो ये CO2 गैस है हमारी, इसके लिए ना ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इसको एज अ ऐसे लिखते हैं, यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसके लिए आता है टर्म यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर की तरह किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह किया जाता है। जब क्वेश्चन बनता है ना तो ज्यादातर टाइम आपसे बोलता है एक ऐसी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, तो याद रखना किस गैस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है CO2 गैस के बारे में। बाकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हो सकता है इस बार क्वेश्चन कुछ और से पूछ ले, किसी और तरीके से पूछ ले, तो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक CO2 की पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, लाइम वाटर मिल्की वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी माइक। अब देखिए लाइम वाटर मिल्की वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एनसीईआरटी की हूबहू एक एक्टिविटी उठा ली है। ठीक है, होपफुली ये विजिबल हो। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी से हूबहू एक्टिविटी 2.6 को उठाया है। समझते हैं इस एक्टिविटी में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें फेनोप्थिलीन लेना है, फेनोप्थिलीन का सॉल्यूशन लेना है, फेनोप्थिलीन दिख रहा होगा आपको, फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन लेना है आपको, फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन लेना है और उसमें 2 ml डाइल्यूट NaOH को ऐड करना है। आपको क्या करना है, फेनोप्थिलीन लेना है। फेनोप्थिलीन कैसा होता है, फेनोप्थिलीन अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कलरलेस होता है। फेनोप्थिलीन कैसा होता है,
कलरलेस होता है। तो फिनोक्सिलीन में जैसे ही आप NaOH को ऐड करेंगे, NaOH के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, तो वैसे ही फिनोक्सिलीन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने फिनोक्सिलीन में एसिड बेस ऐड करने से क्या होता है, NaOH क्या है, बेस है। तो फिनोक्सिलीन एक ऐसा इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं, तो फिनोक्सिलीन कलरलेस होता है। जैसे कि उसमें हम बेस ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाट इज द कलर, तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, पिंक या डार्क पिंक, कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने फिनोक्सिलीन में NaOH को ऐड किया तो कलर कलरलेस से क्या हो गया, पिंक हो गया। उसके बाद हम उसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने बेस अभी डाला था उसी में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और देखेंगे एक टाइम बाद उसका वो कलर से, वो पिंक कलर से फिर कलरलेस हो जाएगा। पिंक कलर से क्या हो जाएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा। पिंक कलर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसमें NaOH मिलाना शुरू करेंगे। फिर जब हम उसमें NaOH मिलाना शुरू करेंगे फिर उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाएगा, फिर उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि पहले फिनोप्थिलीन में बेस ऐड करने से बेस ने फिनोप्थिलीन की नेचर को चेंज कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने एसिड को दोबारा ऐड किया तो एसिड ने बेस को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया और फिनोप्थिलीन का नेचर दोबारा से रिटेन हो गया, तभी फिनोप्थिलीन क्या हो गया, कलरलेस हो गया। लेकिन फिर जैसे ही हमने और बेस ऐड किया तो फिर बेस का नेचर हैवी हो गया, बेस का नेचर डोमिनेंट हो गया और फिर से कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। तो इस रिएक्शन से हमें यह समझ में आता है, इस एक्टिविटी से हमें यह समझ में आता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। जब हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं, जब हम किसी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड और वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट वो होता है जो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट एक्चुअली न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये वीक एसिड या वीक बेस, वीक सॉल्ट, मतलब ये सॉल्ट वीक एसिड हो या वीक बेसिक सॉल्ट हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्ट किया हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्ट किया हो वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा, क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर अगर हम वीक एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दे, तो अगर हम वीक एसिड के साथ किसका रिएक्शन करा दे, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दे, तो जो सॉल्ट बनेगा अब वो बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा बेसिक, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो आप लोग, क्योंकि जो चीज स्ट्रांग होगी उसी का इफेक्ट दिखेगा, जो चीज स्ट्रांग होगी उसी का इफेक्ट दिखेगा। घर में जो स्ट्रांग होता है लोग उसी की बात मानते हैं, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो भी उसकी उसी के वही बनेगा, वैसा ही बनेगा जो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले ले, बेस भी स्ट्रॉन्ग ले ले, तब कैसा सॉल्ट बनेगा, तब सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। या हम वीक एसिड ले ले, वीक बेस ले ले, उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। तो यहाँ एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये सॉल्ट क्या होता है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हमें बताता है कि एसिड या बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। ठीक है, और अच्छे से इसको समझते हैं कि सॉल्ट, अब यहां सॉल्ट बनता कैसे तो इसको भी समझ लेते हैं, अब यहां सॉल्ट बनता कैसे तो इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई एसिड ले लेते हैं HCl अपनी, और हम बेस ले लेते हैं NaOH। जब हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एसिड में ये जो H के पीछे Cl लगा होता है और बेस में जो OH के आगे जो मेटल लगा होता है, तो ये Cl और ये Na आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और ये एच और ओ एच मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, देखो कोई भी एसिड एसिड एच प्लस आयन की वजह से, कोई भी बेस बेस ओ एच माइनस के आयन की वजह से। तो जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वाटर बना देते हैं, और बाकी जो आयन बचते हैं उससे हमारा क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। आप कोई और एसिड ले लीजिए, कोई और बेस ले लीजिए, मैं एसिड ले लेता हूं H2SO4, बेस लेता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, फिर से वही होगा, एसिड में एच के पीछे जो लगा है और बेस में OH के आगे जो लगा है वो रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट क्या बन जाएगा इस केस में, K2SO4, और H और OH क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे।
आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही समझते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड ले लें, मेटेलिक ऑक्साइड ले लें और उसका रिएक्शन किससे कराएं? एसिड से कराएं। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड ले लें और उसका रिएक्शन किससे कराएं? एसिड से कराएं। तो देखिए, जैसे मैं मेटेलिक ऑक्साइड लेता हूं, मैं मेटेलिक ऑक्साइड लेता हूं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज अ मेटल, मैं सोडियम ऑक्साइड लूं और HCl से रिएक्ट करा दूं। ये सोडियम ऑक्साइड क्या है? मेटल है ना। सोडियम ऑक्साइड क्या है? मेटल है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां पर फिर से सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा और साथ में वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जहां पर आपको कॉपर ऑक्साइड लेने को कहा गया है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही मैंने HCl से कराया तो हुआ यहां पर कि हमारा कॉपर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया और साथ में वाटर बन गया। देखिए, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, इसको ब्लैक ऑक्साइड के भी नाम से जाना जाता है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। लेकिन जैसे ही इसका HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखता है, ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखता है जो कि कॉपर क्लोराइड होता है। तो यहां आप देख सकते हैं, आप एक और ले लीजिए, आप Mg2 MgO ले लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए HCl से, तो आपको यहां क्या मिलेगा? आपको फिर से मिलेगा MgCl2 और आपको वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां आप देख सकते हैं, जब भी हम मेटल ऑक्साइड्स का मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड, जब भी आप मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एसिड से करा रहे, तो आपको एक सॉल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में वाटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी? एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा? तो सॉल्ट बनेगा, इसको सॉल्ट या मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं, और वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आप नोटिस करी होगी आपने, जब बेस को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, अभी से पहले वाले रिएक्शन में जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराया था तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना था, तो भी क्या बना था? सॉल्ट एंड वाटर बना था। इससे ये कंक्लूड होता है कि कहीं ना कहीं मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर की। देखो ध्यान से, मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन कराया तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना, बेस का एसिड से रिएक्शन कराया तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जस्टिफाई दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको ये इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड का जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, बेस का एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो कहीं ना कहीं बेस जो है मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है, तभी वो बेस जैसा ही कंपाउंड बना रहा है। किसके साथ रिएक्ट करने पर? एसिड के साथ रिएक्ट करने पर। अच्छा, यहां पर जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक नेचर के होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इतना आपको समझ में आ गया? तो यानी यहां पर सोडियम ऑक्साइड, या अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड ले लूं, सोडियम ऑक्साइड ले लूं, या मैं पोटेशियम ऑक्साइड ले लूं, ये सब क्या है? ये सब बेसिक नेचर है, ये सब बेस है। तो जब आप इनको पानी में क्या करते हो? डिसॉल्व करते हो, तो ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं, ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं। तो हमने पढ़ा, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्केली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केली बोलते हैं। ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्केली बोलते हैं। यानी ये क्या है? ये सब मेटल ऑक्साइड्स एल्केलीज हैं। क्या है? एल्केलीज हैं। और क्योंकि ये इन मेटल्स की ऑक्साइड एल्केलीज है, क्योंकि ये जो मेटल, ये सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल जो ऑक्साइड बना रहे हैं ये एल्केली है, तो यानी ये जो मेटल्स हैं इनको एल्केली मेटल भी बोला जाता है। सोडियम पोटेशियम वाला ये सब जो मेटल है इनको एल्केली मेटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एल्केली मेटल? क्योंकि इनके द्वारा जो ऑक्साइड बनती है वो बेसिक नेचर की होती है, और ये बेसिक नेचर वाली ऑक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल हैं। तो जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्केलीज बोलते हैं। हमने ये बात पढ़ रखी है हमने पहले लेक्चर में, कि जो भी बेस वो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको एल्केलीज बोलते हैं। और यहां पर ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं सोडियम और पोटेशियम वाली, ये वाटर में सोल्यूबल है, तो ये एल्केलीज हो गए। और क्योंकि ये मेटल की ऑक्साइड्स, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मेटल के ऑक्साइड्स पानी में सोल्यूबल, इसीलिए इन मेटल्स को भी अल्केली मेटल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 जो है वो सभी अल्केली मेटल है, यानी उन सबकी ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है और साथ ही साथ वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस का एक रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड, तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन की जो ऑक्साइड होगी वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगी। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो इन सबकी जो ऑक्साइड है वो क्या कहलाएगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम एक बेस लेते हैं जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसका जब रिएक्शन CO2 से कराते हैं, इसका जब रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो क्या बनता है, अभी इसके पहले देखा था, तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आप यहां से फिर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, सॉरी हमने बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराया तो फिर से एक सॉल्ट बना, फिर से एक सॉल्ट बना और वाटर बना, क्या बना, वाटर बना। यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इनका रिएक्शन बेस के साथ भी क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। और हमने एक बात यह भी पढ़ी है कि एसिड का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ ये भी क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यानी यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक, क्योंकि जब नॉन मेटल्स का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है। आपसे पूछेगा तो आपको इस तरीके से लिख करके बताना पड़ेगा। आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा, एसिड रेन, आपको क्या लगता है बारिश में कोई जाके एसिड मिला देता है, भगवान जी एसिड मिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और ये क्योंकि एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये जब जब ये इन्वायरमेंट में इनका इमिशन होता है तो ये गैसेस ऊपर चली जाती हैं, क्लाउड्स में मिल जाती हैं, क्लाउड्स में मिलने के बाद जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ या बारिश के साथ ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी क्या होती हैं, जमीन पर बारिश के साथ क्या होती हैं, बरसती हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, वो क्योंकि एसिडिक नेचर की है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या एसिडिक नेचर है, तो जो ये रेन है वो रेन भी क्या, ये रेन को भी क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। इसीलिए हम रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, हम कहते हैं एसिड रेन है ये। तो एसिड रेन का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, डिजोल्व है, रेन में बहुत सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, डिजोल्व है। तो इस तरीके से हमने सारे रिएक्शन को ऑलमोस्ट कवर कर लिया जो एसिड और बेस का था। अभी भी एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने पीएच वैल्यू को पढ़ना है। ठीक है, एसिड और बेसिस को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो अभी ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहां से अभी दो लेक्चर हमें और डिस्कस करने हैं, एक पीएच वैल्यू पर बेस्ड लेक्चर होगा और एक लेक्चर सॉल्ट्स पर बेस्ड होगा, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये लेक्चर को दोबारा देखिए, रिवाइज करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, उसके बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिए, इंडेक्स क्वेश्चन करिए, अपने आप को तैयार करिए एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।